नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसमें आपको हरियाणा पीटीए भर्ती से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट 7। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में विद्यार्थी स्वेच्छानुसार शिक्षक के सामने खड़े होते हैं, ऐसी संरचना को मुक्त कहते हैं। विद्यार्थियों को साइकिल के पहिए के तारों के समान खड़ा किया जाता है, इस संरचना को स्पोक कहते हैं। ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन कर अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करता है, डोपिंग कहलाता है। वह कौन सा अस्थिभंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। स्पीड प्ले किससे संबंधित है? ये फ्रंट लेग ट्रेनिंग से संबंधित है। रिवॉर्ड का अर्थ है खिलाड़ी के कार्यों का प्रतिफल। डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर की किस चीज का नमूना लिया जाता है? मूत्र का नमूना लिया जाता है। उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचाती है? जटिल अस्थिभंग। कौन सी ट्रेनिंग क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित होती है? फ्रंट लेग ट्रेनिंग। खिलाड़ी प्रशिक्षण की देखरेख में सीधी कोशलों का अभ्यास करता है, उसे ग्रूम द स्ट्रोक कहते हैं। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम ताप पर ट्रेनिंग दी जाती है? हीट ट्रेनिंग। कोहनी की हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में अत्यधिक स्ट्रेच आ जाए ओवर यूज के कारण, तो इस चोट को कहते हैं टेनिस एल्बो। बच्चों में गामक योग्यता का विकास सिर से पैर की ओर होता है। मांसपेशी में एक अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए तो उसे मसल फुल कहते हैं। कौन सी रेस में सेट का कमांड नहीं दिया जाता है? 800 मीटर। 110 मीटर हर्डल रेस में हर्डल की हाइट 1.067 मीटर। वेट लिफ्टिंग में पीले रंग की डिस्कस का भार 15 केजी होता है। खो खो खेल में आउट खिलाड़ी सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं। ट्रैक के इनसाइड बॉर्डर का रंग सफेद होता है। व्यायाम करने से श्वसन दर में क्या परिवर्तन होता है? श्वसन दर घट जाती है। मनुष्य में सामान्य हृदय धड़कता है प्रति मिनट 72 से 75 बार। किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग की शपथ दिलाई गई? 2000 सिडनी ओलंपिक में। पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी ऊषा को। हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। सामान्य रूप से स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में सिस्टोलिक और डिस्टोलिक रक्त का दाब कितना होता है? 120 तथा 80 मिमी एचजी। योग पर प्रतिबंध मुस्लिम काल में लगाया गया। मनुष्य के हृदय में लब डब की आवाज किस कारण होती है? ये तिरवली दिवली अर्धचंद्रकार कपटों के बंद होने से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा को। सर दोराबजी टाटा का निधन 1932 में हुआ। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या होता है? विटामिन के तथा कैल्शियम। क्रिकेट की पिच अधिकतर या आमतौर पर किस दिशा में बनी होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। कौन सा रुधिराणु शरीर का सैनिक कहलाता है? श्वेत रुधिराणु।
किस खेल में खिलाड़ी सफेद कार्ड दिखाया जाता है? रग्बी में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।